आकाश देखिए कितना काला हो गया, आग देखिए। फूल आपका अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ, करता रहूँगा। आज हम लोग जा रहे हैं NH1, एक पेट्रोल वाली गाड़ी जा रही थी उसमें आग लग गई है, तो मैं वहाँ जा रहे हैं तो आप लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहे। पूरे NH पर जाम लग गया है क्योंकि वहाँ गाड़ी में एक आग लग चुका है, तो आप देख सकते हैं, हाँ देख रहे होंगे आप लोग, वहाँ आग लगा हुआ है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं गाड़ी में आग लगा हुआ है, तेल वाली गाड़ी है उसमें पेट्रोल था, वहाँ आग लगा हुआ है, पेट्रोल वाली गाड़ी थी वहाँ आग लग गया है। और कितना ज़्यादा भीड़ है भाई, डर भी लग रहा है। वहाँ देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह दुर्घटना है ना 57 नेशनल हाईवे अदरपुर और सीमा के बीच में हो गया है। तो देख रहे हैं यहाँ पूरा रोड जाम हो गया है, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगने आ रही है, इसको जमने लग गया है। और देख सकते हैं इस साइड भी, ये साइड का भी रोड जाम कर दिया गया है। और वहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा काला काला धुआं उड़ रहा है, आप देख सकते हैं। ब्लॉक पर कंटिन्यू बने रहे, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आग कितना बढ़ चुका है। बहुत ही डीजल की गाड़ी थी, तो देख सकते हैं आप आसमान में पूरा काला काला छा गया है, आग बढ़ती ही जा रही है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गैस भरा हुआ था। तो दुर्घटना अदलपुर और सकरी के बीच में या सीमा पड़ता है जहाँ पे एक ढाबा है, वहीं पर ट्रक में आग लगी है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो गाइस ये है ना 57 पे ये दुर्घटना हो गया है, सलाहत भी फंसा डर से यार। आज आकाश देखिए कितना काला हो गया, आग देखिए। आकाश आप देख सकते हैं, आकाश में आप देख सकते हैं कितना काला धुंधा धुंधा धुंधुन छा गया है, आग देख सकते हैं आप कितना ऊपर तक आग उड़ रहा है। देख सकते हैं आकाश पूरा काला काला हो गया है। दुर्घटना अदलपुर और सीमा के पास हो गया है, जो सकरी के आसपास में पड़ता है, यहाँ पर राजू ढाबा के पास में ही है। और देख कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ सब वो देखने के लिए आया हुआ है, देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक है। ये कौन राहुल लेंसर भाई, तो गाइस देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा साइड भीड़ लगा हुआ है, आप लोग चन्ना यार बोलते हैं, तो देख सकते हैं हाँ दुर्घटना को सब देखने के लिए आए हुए थे, बहुत बहुत दूर दूर से आई हुई। तो गाइस देख रहे हैं कितना लोग सब यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हैं भाई, इसे कुछ ठीक तो नहीं कर सकते भाई, इसमें तो आग भी भुता नहीं सकते क्योंकि पेट्रोल वाली करती गैस वाली, तो उसमें आग भुताने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि उसमें भुता भी नहीं सकते हम। तो यहाँ देख सकते कितना भीड़ लगा हुआ है, तो गाइस देख सकते हैं ना 57 रोड आटी अदलपुर गाँव और सीमा के बीच क्या दुर्घटना हो गया है, ना बढ़ सके इसी कारण से यह रोड को जाम कर दिया गया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ दुर्घटना पीछे हुआ है, हम लोग यहाँ आगे आ गए हैं क्योंकि ज़्यादा देर रुकना वहाँ भी सही नहीं रहेगा क्योंकि वो गाड़ी फटने उठने का डर रहता है, वो भी तेल वाली गाड़ी थी, तो ब्लॉक पे कंटिन्यू बने गाड़ी देख रहे हैं कि दुर्घटना के कारण पूरा रोड को जाम कर दिया गया है। देख सकते यह दुर्घटना, मैं तो बार बार भूल चुका हूँ, बार बार बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। यह ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं इसी एक बात कहने जा रहा हूँ कि आप लोग घर कहीं से कहीं घर जा रहे हैं ना, तो आप लोग अच्छा से जाइए और थोड़ा देरी से जाइए मगर सुरक्षित पहुँचिए। कि
आपका जीवन सिर्फ आपका जीवन नहीं है, आपके पूरे परिवार का जीवन है, और आपके बाल बच्चे और बीवी माँ बाप उसके बारे में भी तो सोचिए। से आप तो कुछ भी करके चले जाओगे, बाई चांस मान लो आप चले गए दुनिया से, पर आपके परिवार के बारे में कभी सोचा है कि वो परिवार आपका कैसे जिएगा और किस कारण से उसको किस किस कठिनाई से गुजरना पड़ेगा? तो यही कहना चाहेंगे हम कि अपने परिवार के बारे में, अपने नहीं तो अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचे। और यह दुर्घटना अदलपुर और सकरी के बीच एक गांव पड़ता है सीमा, वहीं N57 रोड पर हो गया है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। घर में रहे, सुरक्षित रहे, और जय हिंद जय भारत।